नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एंड ब्यूटी रिव्यू में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज नोमार्क्स आयुर्वेदिक एंटी मार्क्स क्रीम फॉर नॉर्मल स्किन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको स्पॉट्स की, डार्क स्पॉट्स की या फिर जो पिंपल्स होने के बाद में जो स्पॉट्स हो जाते हैं गालों पे, उनको अगर आप दूर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। बजाज नोमार्क्स आयुर्वेदिक क्रीम के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मैं दूंगा कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं और इंग्रेडिएंट वाइज ये क्या क्या आपको फ़ायदे करेगा। दोस्तों इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दी गई बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों जो बजाज एंटी मार्क्स जो क्रीम है, जो नोमार्क्स क्रीम है, ये आपकी डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए और जो स्पॉट्स हो जाते हैं पिंपल्स को दूर करने के लिए उसमें ये यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों कई बार देखने को मिलता है कि स्किन पे स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। स्किन पे स्ट्रेस किस लिए होता है दोस्तों? आप जो आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, आपको वर्कलोड ज़्यादा होता है, उस कारण से आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख पाते हैं सही से, अपने स्किन केयर रूटीन पर आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हेक्टिक लाइफ स्टाइल के कारण ये सब होता है। तो दोस्तों आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जैसे कि पिंपल्स और उनके बाद में उनके मार्क्स। तो दोस्तों कई बार जो इन्वायरमेंट आजकल जो इतना पॉल्यूशन है उस कारण से भी डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है और डस्ट और पॉल्यूशन के कारण भी कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलती है। दोस्तों कई बार ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम हो, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम हो या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, ये बहुत ही आम बात हो गई है। तो दोस्तों अगर बजाज नोमार्क्स जो आयुर्वेदिक क्रीम के अगर फ़ायदों की बात करें तो इसमें जो इंग्रेडिएंट वाइज मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा, जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं वो क्या क्या फ़ायदे देंगे और इस क्रीम को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बजाज नोमार्क्स क्रीम में कैनेडोलवा डला हुआ है जो कि आपकी स्किन को रिलैक्स करता है, स्किन को रिजुविनेट करता है और स्किन की जो सभी प्रकार की प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें डला हुआ है एलोवेरा। एलोवेरा कूलिंग एजेंट का काम करता है, आपके कोलेजन को बिल्ड करता है, जो नए स्किन सेल्स हैं उनको इम्प्रूव करके, उनको नरिश करके और नए स्किन सेल्स को, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके और नए स्किन सेल्स को ये इम्प्रूव करता है और आपके स्किन के कोलेजन को बढ़ाता है, ग्लो को भी बढ़ाता है। दोस्तों थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें डला हुआ है टर्मरिक जो कि हल्दी है। हल्दी प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट के जो भी पॉल्यूशन होते हैं, जो भी जो जर्म्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करके आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करता है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है और निखार को भी ये आता है। दोस्तों फोर्थ इंग्रेडिएंट डला हुआ है इसमें नीम। नीम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इससे आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, डार्क स्पॉट्स की, दाग धब्बों की अगर प्रॉब्लम हो तो नीम का इसमें भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ ये पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा ये क्रीम होता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर किया इससे जा सकता है। अब दोस्तों इसके यूज़ की बात करें तो नॉर्मल आप इसे यूज़ कर सकते हैं, एज ए नाइट क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं, रात में इसको अपने इफेक्टेड एरिया पे जहां पे आपको पिंपल्स, डार्क स्पॉट या पूरे आप चेहरे पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और रात में आप इसका यूज़ कर सकते हैं और एज ए क्रीम भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि एक हर्बल और एक आयुर्वेदिक क्रीम है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये 150 रुपीज़ में आपको 20 ग्राम का जो ट्यूब है आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।